हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका, यू आर इंग्लिश टीचर. कम विद अ न्यू वीडियो. फर्स्टली आई वांटेड टू टेल यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू पॉइंट. फर्स्ट इज़ योर बुक नेम एंड योर बुक राइटर नेम. दिस इज़ योर न्यू बुक एंड द नेम ऑफ दिस बुक इज योर स्प्रिंग. स्प्रिंग मीन्स वसंत. वसंत वसंत सीजन जो खुशियाँ लेके आता है. दैट सीजन कम्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर. ये सर्दी के मौसम के बाद और गर्मी के मौसम से पहले आता है. मीन्स मार्च एंड अप्रैल मंथ इज अ स्प्रिंग सीजन मंथ. दिस इज़ योर रीडर बुक, ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश रीडर. इंग्लिश रीडर मीन्स इस बुक में आपका रीडिंग पार्ट दिया होता है. देर आर टू सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश रीडर एंड इंग्लिश ग्रामर. दिस इज़ योर इंग्लिश रीडर एंड द नेम ऑफ दिस बुक इज स्प्रिंग एंड द राइटर इज चक्षु बटला. मीन्स चक्षु बटला ने आपकी इस बुक को लिखा है. द राइटर ऑफ दिस बुक इज चक्षु बटला. दिस इज़ द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बुक नेम एंड द राइटर नेम. यू ऑल शुड नो अबाउट द बुक नेम एंड राइटर नेम. आप सबको पता होना चाहिए अपनी बुक का नाम और राइटर का नाम. आई होप जैसे आपकी बुक का नाम है स्प्रिंग, सेम ऐसे ही हर लेसन आपके लिए जो है एक स्प्रिंग सीजन की तरह खुशियाँ लेके आए. हर लेसन से आप कुछ नया सीखो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर सेकेंड. द नेम ऑफ लेसन नंबर सेकेंड इज रूल्स ऑफ रोड सेफ्टी. रूल्स होता है नियम, रोड सड़क, सेफ्टी सेफ्टी सुरक्षा, यानी कि आपकी सुरक्षा के क्या क्या नियम हैं. वैसे इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग आप लास्ट टाइम जो है एक एक्टिविटी भी कर चुके हो सेकेंड क्लास में, जो आपकी ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड थी. आपको राइम भी आती है रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट से, तो उसी से रिलेटेड है. दिस इज़ ए शॉर्ट पोएम. एक लेसन नहीं है, एक शॉर्ट पोएम की तरह है ये. नाउ स्टार्ट. फर्स्टली रीडिंग के टाइम पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमेशा जो है आपकी फिंगर हर एक वर्ड पर टच होनी चाहिए. टच योर फिंगर ऑन द टॉप. स्टार्ट. अप द स्ट्रीट आई लुक टू सी. अप द स्ट्रीट, अप मीन्स वैसे तो अप डाउन ऊपर नीचे होता है, बट यहाँ पर जो है आपका यूज़ किया हुआ है अंत तक, छोर तक, यानी कि स्ट्रीट मीन गली, गली के छोर तक. अप द स्ट्रीट आई लुक टू सी, यानी कि जो गली का अंत है, गली के लास्ट तक जो है मैं देखता हूँ या देखती हूँ. इफ़ एनी ट्रैफिक, ट्रैफिक मीन यातायात, यातायात के जो भी साधन होते हैं आपके कार, बस, स्कूटर. If any traffic is near me, near mean पास में, अगर कोई ट्रैफिक पास में है मेरे, means मैं उस गली के, जब घर से निकलते हैं तो उस गली के अंत तक देखती हूँ या देखता हूँ कि वहाँ पर कोई ट्रैफिक तो नहीं है. Down the street I look as well, उस गली के लास्ट तक पहुँचने के बाद सेम ऐसे ही मैं चारों तरफ देखती हूँ. And listen for a horn or bell, और लिसन मीन सुनना, हॉर्न और बेल के लिए सुनती हूँ, या कहीं से किसी हॉर्न या बेल की आवाज़ तो नहीं आ रही है. देर इज़ समथिंग, समथिंग मीन कुछ, कमिंग मीन आ रहा है. वेट अ बिट, अगर कुछ आ रहा है तो वेट अ बिट, थोड़ा इंतज़ार करती हूँ. वेट अ बिट यूज़ होता है, प्लीज़ वेट अ बिट, यानी कि कुछ क्षण के लिए इंतज़ार करो, यानी कि कुछ आ रहा है तो कुछ समय के लिए इंतज़ार करते हैं. If I run out, I may be hit. अगर मैं दौड़ूंगी या दौड़ूंगा तो I may be hit. हिट मीन टकराना है, तो मैं टकरा सकती हूँ. But now the road is really clear. Road means सड़क, really वास्तव में. लेकिन जब वहाँ पे गली से चले तो उन्होंने जो है एंड तक देखा, जब गली के पास आए तो उन्होंने रोड की तरफ चारों तरफ देखा, लेकिन जो है रोड पूरी तरह से क्लियर है. नो कार और मोटर बस इज नियर, कोई भी कार या कोई भी मोटर बस जो है पास में नहीं है. आई विल रन अक्रॉस द रोड सो वाइड, अक्रॉस उस पार,
रोड सो वाइड, यानी कि जो ये रोड है, सड़क का जो ये जो जितनी चौड़ी है तो मैं उसके पार दौड़ सकता हूँ। हुर्रे, हुर्रे होता है एक खुशी के लिए, ये एक एक्सक्लेमेशन साइन है, हुर्रे। आई एम सेफ ऑन द अदर साइड, यानी कि मैं अब पूरी तरह से दूसरी जगह जाने के लिए सुरक्षित हूँ। मीन्स यहाँ पे रोड की सेफ्टी के लिए जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें घर से निकलते हैं तो गली में भी हमें देखना चाहिए कोई बाइक कोई कार वगैरह आ रही है या नहीं। जब हम गली के एंड तक पहुँचते हैं तो आपने देखा होगा अगर कोई गाड़ी जो है कार बाइक कुछ आ रही है तो वहाँ गली के पॉइंट पे हमेशा जो है हॉर्न दिया जाता है, हॉर्न देती है। तो सेम ऐसे ही हमें भी वहाँ पर भी रुक के और चारों तरफ देखना चाहिए, और उसके बाद जब हमें लगे कि हमारी गली या रोड पूरी तरह से सुरक्षित है, कुछ नहीं है, क्लियर है, तो ही हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। ये आपका ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है। रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, आपको पता है आपका रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स वेट एंड सॉरी येलो मीन वेट एंड ग्रीन मीन गो। यहाँ पे यूज़ किया गया है रेड मीन रिलैक्स, यानी वेट करो, स्टॉप करो, येलो मीन गेट रेडी, तैयार हो जाओ, एंड ग्रीन मीन गो। ये डायग्राम मैंने आपकी नोटबुक में भी बनाया है, तो आप एज इट इज़ इस ट्रैफिक सिग्नल को, इस जो आपने साइन है ये ट्रैफिक सिग्नल का, एज इट इज़ इसको अपनी फेयर नोटबुक में भी ड्रॉ करोगे। देखते हैं किसको एक्सेलेंट मिलता है, और बाकी आपको जो है ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड हर एक पॉइंट क्लियर भी है कि हमें रोड पे कभी भी नहीं जाना चाहिए, हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए। हमारी जो होती हैं ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है, जहाँ से हम पैदल जो हैं जो पैदल चलने वाले होते हैं वो क्रॉस कर सकते हैं, तो हमेशा इस पे क्रॉस करना चाहिए। हमें कभी भी जो है बस से या कार में हों हम, तो कभी भी हमें हाथ जो है बाहर नहीं निकालना चाहिए। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें लेफ्ट राइट फिर अगेन राइट दोबारा से फिर से देखना चाहिए। ओके, रीड दिस लेसन केयरफुली, लर्न वर्ड मीनिंग, क्लियर, एनी डाउट? ओके, थैंक यू।